Have you ever felt? Are you listening? Hello friends. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस ईमेल के साथ हम अपनी होस्टिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो द मेन टॉपिक दैट व्हेन यू परचेज अ बिजनेस ईमेल आईडीज, प्रोफेशनल ईमेल आईडीज, तो उसके लिए आपको कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करने होते हैं, लाइक एमएस रिकॉर्ड्स, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स एंड सीएनएम रिकॉर्ड्स. और अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने पैनल में लॉग इन करके अपने उन रिकॉर्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं और उसके बाद आप कैसे आउटलुक में उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो मैं वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप बिजनेस ईमेल आईडीज को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो आपकी होस्टिंग का, आप कहीं से भी अगर होस्टिंग लेते हो, गो डैडी, ग्लोब होस्ट, बिग रॉक, अगर कहीं से भी आप होस्टिंग लेते हो तो वो आपको एक आपका अलग से पैनल देते हैं जिसमें आपको लॉग इन करके अपने बिजनेस ईमेल आईडीज को कॉन्फ़िगर करना होता है. जैसे मैंने ग्लोब होस्ट से अपनी बिजनेस ईमेल आईडी परचेज की है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो मैं अपने जो मुझे लॉगिन लिंक दिया है मेरे होस्टिंग प्रोवाइडर ने, मैं उसमें लॉगिन करूँगा. ये देखिए, जब बिजनेस ईमेल आईडी आप परचेज करते हैं तो उसके बाद आपका पैनल कुछ इस तरह से दिखता है. उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरनी होती है जो कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देता है यूजर नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना होता है. उसके बाद हम अपने पैनल में लॉगिन करेंगे और उसके बाद पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा. ये डिपेंड करता है कि आप किससे बिजनेस ईमेल आईडी परचेज करते हैं. जैसे कि मैंने ग्लोबो से परचेज किया है और बहुत ही सिंपल मेथड है ये. तो मैं जाऊंगा अब मैनेज ऑर्डर्स में. मैनेज ऑर्डर्स में यहाँ पे लिस्ट और सर्च ऑर्डर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ये मुझे दिखा देगा कि मैंने कौन सी सर्विसेज परचेज की है. लाइक मैंने बिजनेस ईमेल परचेज किया है लाइक अभी, तो उसके बाद मैं इस होस्टिंग अपने डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करूंगा. डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझे एक पैनल में ले जाएगा, यहाँ बिजनेस ईमेल लिखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा. ये देखिए, और ये डायरेक्टली मुझे ले आया मेरे बिजनेस ईमेल के पैनल पे. ये था इनडायरेक्ट लॉगिन. मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली कैसे डायरेक्टली अपने ईमेल आईडीज को एक्सेस कर सकते हैं. अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो उसके लिए हम जाएंगे मैनेज ईमेल अकाउंट्स पे और यहाँ पे एक पॉपअप, एक विंडो अपीयर ओपन हो जाएगा और इसमें आपको जो कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो रिकॉर्ड्स अपने पैनल में अपडेट करना है वो आपको मिलेंगे. अभी यहाँ पे क्रॉस है, तो जब आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ये सब ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के. अभी देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जल्दी से. तो उसके लिए मैं अपने जाऊँगा अपने सी पैनल में और उसके बाद जाऊँगा मैं अपने जोन एडिटर ऑप्शन में. तो अपने जोन एडिटर ऑप्शन में आने के बाद मैं अपने डोमेन नेम को, जिस जो डोमेन नेम है उसके यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मेरा टैब ओपन हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं एमएक्स कोड अपडेट करूँगा. एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप कोई थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आप वेबमेल को नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको वेबमेल के एमएक्स कोड जो है वो डिलीट करने पड़ेंगे यहाँ से. तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे बिजनेस ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पे अपडेट कर दूँगा कुछ इस तरह से. जो प्रायोरिटी है वो है 100, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे टिक करी, यहाँ पे क्लिक कीजिए एड एम एक्स रिकॉर्ड. यहाँ मैंने इसको डाल दिया, स्पेस हटा दिया आगे और पीछे, प्रायोरिटी 100. उसके बाद जो थर्ड एम एक्स रिकॉर्ड है उसको मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी ये वाला होगा. उसके बाद फिर एड एम एक्स रिकॉर्ड और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्पेस हटा दिया आगे और पीछे से. उसके बाद ये ऑलरेडी एग्जिस्ट था पहले से, ये हो गया 1, 3, नंबर 2 वाला ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको. ये देखिए, ये मेरे एमएक्स रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं. अब मैं अपडेट करूंगा सीनेम रिकॉर्ड. सीनेम रिकॉर्ड से मुझे यहीं पर ही मिल जाएंगे, इसको मैं नीचे करूंगा पेज को. ये देखिए, आपका जो होस्ट नेम है वो आएगा सबसे पहले, एड सीनेम रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे.
यहां पे मेन में होस्ट नेम रिकॉर्ड, उसके बाद हम जो सी नेम हमें दिया हुआ है उन्होंने उसको हम सामने अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप अपने ईमेल को इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे वेबमेल का मैंने यहाँ पे डाला है, तो ये वेबमेल के रिकॉर्ड को मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात आपको बताऊंगा, अभी जैसे वेबमेल का रिकॉर्ड मैं अपडेट कर रहा हूँ तो ये मुझे अभी ये देखिए ये हो गया एड, यहाँ पे वेबमेल जो ऐड हो गया है ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड होगा आपके पैनल में, तो आपको उसको पहले डिलीट करना है। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, जिसकी वजह से ये इसको ये देखिए, अगर आपको पहले से वेबमेल ऐड है तो आप उसको सीनेम करके वहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर ए रिकॉर्ड वाले वेबमेल कीजिएगा, ये आपका वेबमेल भी अपडेट हो गया सीनेम रिकॉर्ड। उसके नेक्स्ट सीनेम रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे वो है dab.dot जो आपका डोमेन है। इसको हटा देंगे और उसके बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और ऐड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद से SMTP और फिर इसके रिकॉर्ड को हम ले लेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर INAP इसके रिकॉर्ड्स को हम यहाँ से ले लेंगे। और ये हमारे सीनेम रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। उसके बाद लास्ट में जो है वो है TXT रिकॉर्ड्स जो हमें ऐड करने हैं। तो TXT रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड TXT रिकॉर्ड्स, और उसके बाद यहाँ से TXT रिकॉर्ड हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉमा हटा दीजिए उसके बाद DKIM रिकॉर्ड्स ये रहा, ये भी TXT में ही ऐड होगा, तो ऐड TXT रिकॉर्ड करेंगे इसको यहाँ पेस्ट, और यहाँ से रिकॉर्ड लेंगे। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। तो अराउंड 3 से 5 घंटे लगेंगे इसको कॉन्फ़िगर होने में, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन टिक आने के बाद आपको क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया कि बिजनेस ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप अपने सीनियर रिकॉर्ड्स, TXT रिकॉर्ड्स और अपने MS को अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो अपडेट हो चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने पैनल में जब जाएंगे ईमेल्स का, जैसे मैंने आपको बताया लॉगिन के बाद, यहाँ पे एक मेल का ऑप्शन है, यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगर हुए या नहीं। तो जैसे कि मैंने अपने रिकॉर्ड्स अपडेट किए थे MX रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड एंड TXT रिकॉर्ड, तो उसके सामने इस तरह से ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर आपने MX रिकॉर्ड्स प्रॉपरली अपडेट नहीं किए तो उसके सामने इस तरह से रेड टिक रहेगा। और देखिए मेरे कुछ रिकॉर्ड्स इसने फेच कर लिए हैं, लाइक SPF रिकॉर्ड्स के सामने ग्रीन टिक आ गया और ये रिकॉर्ड्स अभी फेच होना बाकी है। बट कई बार क्या होता है कि ये रिकॉर्ड्स फेच हो जाते हैं और यहाँ पर रेड टिक रहता है जो कि बाद में ग्रीन टिक हो जाता है 24 घंटे बाद। तो ये देखिए जैसे मेरे MX रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं और SPF रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं। तो अब मैं अपना ईमेल जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में,
कि आप किस तरह से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको वो सब स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं फिर से कि फिर से आप लॉगिन करेंगे, फिर मैनेज ईमेल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी में, वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक डायरेक्ट लिंक दिया होता है एक्सेस करने के लिए, जो कि आपको मिलता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट लिंक दिया होता है webmail.webmail.com आपका जो डोमेन नेम है यहाँ पर, ये देखिए, जो कि मैंने कल रिकॉर्ड अपडेट किया था। तो इससे आप डायरेक्टली अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने webmail.hosting.com लिखा तो मैं आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने ईमेल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। और अगर आपने इसको आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी। ये देखिए, मैनेज यूजर अकाउंट से आप क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर करने के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस ईमेल सेटअप करके उसको कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है, और उसका डायरेक्टली आप अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like and subscribe so that I will upload more videos for your help. Thank you guys. Thank you for watching this.